वेलकम बैक। सो यस बेटू, सो आज मैं अरियान फिर से वॉक के लिए जा रहे हैं, तो सोचा आप लोगों को भी हमारे साथ हमारी वॉक के लिए चलते हैं और दिखाते हैं हमारी वॉक कैसे होती है। तो चले, ये आ गई है हमारी लिफ्ट। जब तक सारी चीजें पूछेगा नहीं, मानेगा नहीं कि हमारा बच्चा तो सारी चीजें करना चाहता है कि फिर हंस जाए। यस, चलते हैं वॉक के लिए। नीचे आती है रियान को लग रहा है कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो बराबर आके अपनी गाड़ी पे चढ़ गया है और उसे ये नहीं पता कि हम वॉक के लिए जा रहे हैं। नो, तो ये है रियान की कार जिसमें वो जाना चाहता है, बट वो अभी जाएगा नहीं क्योंकि वो अभी जा रहा है वॉक के लिए। नो टचिंग, लेट्स गो। नो, विल सिट इन कार लेटर। चलो कम। मौसम काफ़ी अच्छा है बाहर वॉकिंग करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। आज थोड़ा सा लेट हो गया निकलने में क्योंकि थोड़ी सी धूप थी, लेकिन ठीक है, वॉक होना ज़रूरी है, टाइम से क्या फ़र्क पड़ता है ना। अभी मैंने कहा था कि रियान वॉक करना पसंद करता है, बट रियान अभी मेरी गोदी में आ गया, ऐसा वॉक करने का मन नहीं है। देखते वॉक करता है क्या, गोदी में चलता है। अच्छी मेरे हमारे बच्चे को वॉक करना है लेकिन फुटपाथ पे करना है, ऐसे कैसे चलेगा। बीट मेडिकल शॉप, फ्रूट्स, वेजीज, आइसक्रीम पार्लर, सुपर मार्केट, हर एक चीज़ हमारे आसपास अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल। ये हमारे आसपास का एरिया काफ़ी बढ़िया है, अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी बढ़िया रेजिडेंशियल एरिया है। ना फिर से वॉक कर रहे हैं अभी, बस थोड़ा दूर और आगे हम जाएंगे, उसके बाद हम बैक यू टर्न लेके घर, हमारी छोटी सी वॉक कंप्लीट हो जाएगी। फिर ध्यान लुक इन फ्रंट, लुक इन फ्रंट। अच्छा लगता है यार, शाम को आ जाओ तो थोड़ा, आज लेट हो गया, जल्दी अंधेरा होने वाला है, बट इट्स गुड, कम से कम घर से बाहर तो निकले हम। इतना खूबसूरत वेदर हो चुका है यार, सच में बाहर राइड पे जाने जैसा मौसम है। कोविड ने अच्छी खासी लगा रखी है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बोर होते रहो। पोस्ट डिनर रियान का अपने डैडी के साथ क्रिकेट टाइम चल रहा है, तो ये लोग खेल रहे हैं बैट बॉल। रियान, शो एवरीबॉडी हाउ टू डू बैटिंग। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, this is not the correct way, Riyan. Yeah! और बॉल गई बाउंड्री के बाहर और डैडी निकाल रहे हैं बाउंड्री से बॉल। हमारा बैट्समैन थोड़ा कच्चा है, उसने बैट बॉल को गिल्ली डंडा बना दिया है।
ये बॉल हार मानते हुए और हमारे कप्तान भूल चुके हैं कि वो बैट्समैन है, बॉलर नहीं है और हमारे बैट्समैन ने एक और बॉल मिस कर दी क्रिकेटर साहब रेडी हो चुके हैं सोने के लिए, अब इनका हो गया है स्लीप टाइम, तो ये सबको बोलेंगे टाटा बाय बाय गुड नाइट, से बाय बाय टू एवरीवन, आज ओके विल सी वीडियो, से गुड नाइट टू एवरीवन, से गुड नाइट रिया, अच्छा ओके चलिए मैं आप इसको जल्दी से सुला देती हूँ मेरे क्यूरी भाई मेरे भाभी डॉल को और आप लोगों से मिलती हूँ इसके सोने के बाद ओके रियांश हो गया है और मेरा सारा काम भी हो चुका है, मेरा बिल्कुल किचन नीट एंड क्लीन से है, बिल्कुल एकदम चकाचक कर दिया है मैंने और जितने गंदे बर्तन थे वो मैंने बाहर निकाल करके टब में रख दिए हैं मेरी हाउस हेल्प के लिए, अब वो मॉर्निंग में आएगी और इन्हें वॉश करेगी और मैं थोड़ा बाहर का आप लोगों को दिखा देती हूँ, इतना खूबसूरत नज़ारा है, मतलब बाहर बालकनी में खड़े हो जाओ यार, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है और ये हमारे बिल्डिंग के बाजू में 24 घंटे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है जिसकी आवाज़ ने हमारे सर में दर्द कर दिया है, तो इसी के साथ मैं अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ यहाँ पे, मैं और गौरव कल की एक बच्ची भी हमारी मूवी है जिसे हम अब फिनिश करेंगे और मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, थैंक यू।